हमारे घर की बालकनी से अच्छी सी धूप दिख रही है सब जगह बिल्डिंग में, और अभी हमने नोटिस किया कि सामने जो पहाड़ी हैं वो पहाड़ियाँ जो हैं सामने दिख रही हैं उसमें बर्फ भी दिख रही है आपको। स्नोफॉल जो होगी वो प्रॉपर स्नो भी दिख रही है, वाइट वाइट वो जो पहाड़ियाँ हैं। तो ये हमारी बालकनी से कुछ कुछ पहाड़ियाँ भी दिखती हैं और उस पर अच्छी खासी वो बर्फ भी दिख रही है बिल्डिंग्स के जस्ट ऊपर। अब अच्छा मौसम होने लगा है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी साइकिलिंग जल्द ही। मेरी साइकिल थोड़ी सी खराब है, उसको सही करना है। और अच्छा मौसम, अच्छी धूप और पेड़ों में फ्लावर्स भी आने लगे हैं अच्छे अच्छे। और ये दिन है अक्षय तृतीया का, जो हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी जो तिथि के हिसाब से पड़ती है वो दिन था। और ये 7वां साल था हमारी एनिवर्सरी का, और इसी दिन अंकुर को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था। तो हम लोगों के घर में जो भी सामान वगैरह रखा था हम लोगों ने उसी से एक केक बनाया, और ऐसे ही जो सामान रखा था बचा हुआ वो सभी डाल दिया और केक बना लिया कि कुछ मीठा भी हो जाएगा। माइंड थोड़ा ठीक नहीं था लेकिन माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ये सब किया हमने। केक बन गया, और केक बनने के बाद ऐसा क्यों है, बिकॉज़ जब केक बना तो मैंने ओवन से निकालने के बाद ठंडा करने के लिए रैक पे रखा, और रैक पे रखने से पहले वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया, और स्लिप होते ही वो टूट गया क्योंकि वो गर्म था और नरम था। एंड कोई बात नहीं, केक टूटा बट मीठा था और केक था वो इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। सो ये केक हेल्दी चीज़ों से ही बना है, जो भी अच्छी होती हैं सेहत के लिए उन सब चीज़ों से बना है। बाकी हम लोगों ने केक कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि टूट गया था, तो ऐसे ही हम लोगों ने एक दूसरे को पीस खिलाया, एक एक पीस खिलाया। बहुत ही मुश्किल टाइम था ये हमारे लिए, बट इस टाइम ये भी टाइम गुजर जाएगा यही सोचकर हम आगे बढ़ रहे थे सब चीज़ों के लिए। अंकुर का ड्राइविंग लाइसेंस पूरा हुआ था 1 साल के बाद, तो वो उसके लिए भी बहुत बड़ी खुशी थी, वो खुश था। और बाकी जो इंडिया में सिचुएशंस चल रही थी वो काफ़ी हद तक हम दोनों को परेशान भी कर रही थी और वीक भी कर रही थी क्योंकि हम वहाँ से दूर हैं, लेकिन कोशिश वही कर रहे थे कि स्ट्रांग रहें। जब हम खुद मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, तभी हम दूसरों, अपने परिवार को, दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके की। बस हमारा यही छोटा सा एक खुशी आई थी जो हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।